हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेएसएससी के द्वारा जो सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा होने वाली है उसके लिए क्लास 1 से 5 का सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 26,001 टोटल भर्ती आई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज, आई रिपीट, मैं हर एक टॉपिक को जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप जो है अपनी तैयारी को आगे लेकर जा सके। बाय द वे, क्लास 1 से 5 के लिए किस सब्जेक्ट की कौन सी अच्छी बुक है उसकी अगर आपको एक वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, तो नीचे कमेंट करके आपको क्या लिखना होगा, BOOK बुक। मैं समझ जाऊंगा कि आपको बुक के ऊपर एक वीडियो चाहिए। अगर 50-100 कमेंट आ गए तो मैं कल ही आपके लिए ये वीडियो ला दूंगा ताकि आप तैयारी में अच्छे से लग पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, 70 रुपीज में आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझसे परचेज कर सकते हो। JTET का क्लास 1 से 5, 6 से 8 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की आपको जो है सटीक आंसर की के साथ मिल जाएगा। yourmithunsinghsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आप इंस्टा चलाते हो, इंस्टा पे हो, देन डू फॉलो मी @imithunsingh। यहां से आपको ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिख रही होगी। अब बहुत सारे लोगों का कॉमन सवाल होगा कि क्या 1 से 5 में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले? नहीं, बीएड वाले 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। डीएलएड, बीटीसी या फिर जिन लोगों ने जो है डिप्लोमा वाला कोर्स किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल पीडीएफ की ओर हम लोग चलते हैं, वहां से जो बातें सामने आई है, टॉपिक सामने आए, वो आपके साथ में डिस्कस किए देता हूं। यहां से आप इसकी पीडीएफ देख सकते हो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो पीडीएफ निकाला गया है, विज्ञापन संख्या 13/2023, ये पुराना वाला है, लेकिन जब नई भर्ती आएगी सिलेबस बिल्कुल डिट्टो सेम रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। देखिए सिलेबस वाले ही सेक्शन को मैंने चूज किया है, अब मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, यहां से देखिए सबसे पहले क्लास 1 से 5 के लिए, यानी कि इंटर पास अगर आप हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। इसके लिए देखिए क्या चाहिए होगा, डीएलएड, मैंने जैसा आपको पहले बताया वही लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, अब यहां से देख पाओगे आप साथ में जेटेट योग्यता की इन्होंने बात करी है, खैर वो होगा नहीं, वो बदल जाएगा, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब मैं सिलेबस की ओर आपको लेकर चलता हूं। ये देखो यहां से देख पाओगे अब परीक्षा का स्वरूप क्या रहने वाला है। यहां से देखिए परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड ली जाएगी, यानी कि सीबीटी मोड पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, यहां से आप देख पाओगे गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो अच्छी बात है। आपको सब क्वेश्चन को जो है एक्चुअली आंसर करना है, क्लियर हो गई बात है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, एक ही बार आपकी परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा एक ही चरण में एग्जाम को कंप्लीट करा लिया जाएगा। 3 पेपर होंगे एग्जाम, देखिए पेपर 1 पेपर 2, और यहां से देख पाओगे पेपर 1 पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट है। याद रखिएगा पहला जो पेपर है वो सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको पास करना है, और जो पेपर 3 और 2 है उससे मेरिट बनेगी। यहां से देख लो पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, 30 नंबर आपको लाना है 100 में। आगे देख लीजिए, और ये जो है मेरिट लिस्ट में इसके जो है इसे ऐड नहीं किया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख रखा है। आगे देखिए पेपर 1 के बारे में कहा गया है कि झारखंड अधिविद्य परिषद ये जो जैक एग्जाम करा रही है उसके अनुसार यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। अब यहां से देख पाओगे आप, यहां पे देखिए सामान्य ज्ञान और समसामयिक, करंट अफेयर्स भी आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए क्या क्या पूछा जाएगा समसामयिक में, यहां से देखिए झारखंड, भारत और पड़ोसी जो राज्य हैं हमारे या फिर पड़ोसी जो देश हैं उससे सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स, वैज्ञानिक प्रगति यानी कि साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हुआ है वो सवाल आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित सवाल होंगे। भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ये सभी से जो है सवाल आपके बनेंगे। अब देखिए जो स्टैटिक्स जीके है जो बदलता नहीं है, जैसे भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, यहां से आपका सवाल बनेगा। भारत का संविधान से सवाल बनेगा, देश की राजनीतिक प्रणाली से सवाल बनेगा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना से सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, यानी कि पार्ट 3 में भी जो है सब ग्रुप बना हुआ है, उसमें पहले पार्ट पे करंट अफेयर्स और जीके था, अब देखिए दूसरे पार्ट में आपसे सामान्य विज्ञान से भी सवाल पूछे जाएंगे। अब देखिए
क्लास 10th से लेकर जो है क्लास 8, 9, 10 तक आपको जो है ये सामान्य विज्ञान को पढ़ लेना है। आगे देखिए मैथ की भी बात है, मैथ में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। मैथ में अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक, इसके अलावा बीजगणित और त्रिकोणमित्री क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन त्रिकोणमेट्री से सवाल पूछे जाएंगे। क्लास 10 तक के ही लेवल के ये सवाल होंगे। रीजनिंग में भी देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, सादृश्य समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना यानी कि जो डिस्टेंस वाला होता है वो सब आपसे पूछ लिया जाएगा। गणित वाले सवाल पूछ लिए जाएंगे, सीरीज वाले सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। कंप्यूटर का भी ज्ञान होना जरूरी है। एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए कौन कौन आएगा, एमएस ऑफिस आपको पढ़कर जाना है, एमएस एक्सेल आपको पढ़कर जाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको पढ़कर जाना है। तो ये एमएस ऑफिस में जो जो भी आते हैं वो सभी आपको पढ़कर जाना है। आगे देखिए इंटरनेट कैसे चलता है, उससे भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। झारखंड राज्य से संबंधित सवाल देखिए क्या रहेगा, झारखंड का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, स्थान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान था, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी से सवाल बनेगा, नागरिक उपलब्धियां क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय से भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। अब बात करते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे जो है ये था क्लास 1 to 5 का सिलेबस। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्लास 1 to 5 का सिलेबस बता दिया, जिसमें देखिए सिर्फ मैंने पार्ट 3 का पेपर आपको बताया है, जिसमें देखिए करंट अफेयर्स और जीके से 50 नंबर पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान से 75 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। ये तो मैं दूसरे वाला बता रहा हूं आपको, ये देखो इंटर वाला एक्चुअली यहां से है, ये एक्चुअली ठीक है, यहां गणित विज्ञान से भी वही ठीक मैं पढ़ा रहा था आपको। देखिए जीके और स्टैटिक्स, जीके और से सवाल जो है 50 नंबर के बनेंगे, सामाजिक विज्ञान से भी 75 नंबर के सवाल बनेंगे और विज्ञान और गणित से भी 75 नंबर के सवाल बनेंगे। 300 प्रश्न आपको टोटल यहां पे देखने को मिलेगा, 300 प्लस 100, 400 नंबरों की जो है आपकी मार्किंग होगी। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बाय द वे अगर आपको और भी जो है वीडियोस चाहिए होगा रिगार्डिंग दिस तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने पूरी देख ली है। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।